अरे विजय, अरे कहाँ गया विजय? अरे हाय। फ्लिप फ्लॉप्स साइज 9 जी, फ्लिप फ्लॉप्स। माफ कीजिएगा, मैं कंफ्यूज हो गया था। व्हाई डू आई लुक लाइक मूवी स्टार और समथिंग टू यू? जी नेवर माइंड। बाथरूम चप्पल? जी यस। हाँ मैं लाता हूँ। थैंक यू। हाउ मच इज इट फॉर? 400 रुपीज। मैं इनको जानता हूँ। आई नो शी। व्हाट? वेट, यू नो हर? शी माय टीचर। नो वे, शी इज माय मम। अच्छा है। व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड। Hey, listen, you're obviously a local, right? Hmm. You know this address? I know, I can... This place. I know. Leke chalu? Hey, awesome. Thanks. Vijay, main thodi der mein aa raha hu, dukaan ka dhyan rakhna. Mera naam Rudra. Hi, Aryan. Nice to meet you. आप कब आए यहाँ पे? आज ही सुबह आया हूँ मैं। अच्छा, मेरी गाड़ी उधर है। ग्रेट, लेट्स गो प्लीज। हाँ या कितना दूर है? हाउ फार? हाउ मच टाइम? थोड़ा सा ही आ गया। Why you? Why me what? हिंदी में बात करूं? Of course. आप समझोगे ना? रुद्र हिंदी आती है उसे। Keep eyes on the road, man. आप इस एड्रेस पे क्यों जाना चाहते हो? पर्सनल है थोड़ा। पर्सनल? स्माइल रुद्र, लुक फॉरवर्ड, आगे देखो यार। तुम कैसे रैंडमली स्ट्रेंजर्स के फोटो लेते रहते हो क्या यार? स्ट्रेंजर क्या, मतलब आप कोई स्ट्रेंजर थोड़ी हो। आपसे तो मेरी पुरानी जान पहचान है। वेट व्हाट? कैसे? मतलब ऐसे ही। वेट, हैव यू मेट बिफोर? सॉरी वन सेकंड। हेलो, पहुंच गया? ना नो नो, रुद्र इज टेकिंग मी। अभी रुद्र कौन है? अभी तक तुम घर पहुंचे भी नहीं और ही फाउंड अ डेट फॉर योरसेल्फ। नहीं यार, कॉन्डम रखा है? हो गया। ओके, आई विल कॉल यू बैक, बाय। गर्लफ्रेंड थी? नहीं, एंड मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। ऐसा क्यों? गर्लफ्रेंड नहीं है क्यों? मतलब क्या गर्लफ्रेंड होना जरूरी है? मतलब अच्छे दिखते हो और बाहर भी रहते हो तो गर्लफ्रेंड तो होगी ना। आई एम नॉट इन टू गर्ल्स रुद्र। नॉट इन टू मतलब? नॉट इन टू मतलब आगे देखो, गाड़ी चलाओ। वैसे आपका फेवरेट कलर कौन सा है? आई डोंट नो, ब्लू। ओके, तुम्हारा? मेरा पिंक। गुड टू नो, नाइस। क्या कह रहे हो, कुछ कह रहे थे? नहीं नहीं, यू तो ड्राइव। हाँ यार, कर रहा हूँ, मुझे आती है। ऐसे ही थोड़ी, काफी अच्छी चला लेता हूँ मैं, ऐसा नहीं है कुछ। हाँ, मैं तो सोच रहा हूँ आपको ना पूरी सिटी घुमा दूंगा। आपको पता है, आपकी मम्मा ना यहाँ पूरी क्लास को लाती थी। हम ना यहाँ बैठते थे और मैम ना हमको पुरानी कहानियां सुनाती थी। रुद्र, दैट इज ग्रेट, पर ये वो जगह नहीं है जहाँ मुझे जाना है। आप ना स्माइल करा करो, आपकी ये स्माइल ना सच में बहुत अच्छी लगती है। स्माइल करो। हैप्पी? हाँ हाँ, कैन वी गो प्लीज? हाँ कम ऑन रुद्र। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे बात तो सुनो, कुछ पूछना है आपसे। सुनो ना। अरे सुनो सुनो तो आर्यन जी। अरे मेरी बात तो सुनो, यहीं बिताते हैं ना सारा टाइम।
आर्यन जी। यस रुद्रा। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप अब तक सिंगल कैसे हो। क्योंकि कोई मिला नहीं। मतलब मिली नहीं। कम ऑन। अरे हाँ हाँ चलते चलते। अरे बात तो सुन लो मेरी। आ गए हम। कितना अच्छा व्यू है यहाँ की हवाओं में ना। अलग ही ठंडक है। आपके सिंगापुर में भी ना ऐसा व्यू नहीं होगा। अच्छा सुनो एक फोटो लेता हूँ मैं आपकी। हैप्पी रुद्र ये जगह बहुत खूबसूरत है। इट्स ब्यूटीफुल। दिस इज वेयर आई नीड टू गो। मुझे यहाँ जाना है। यार आप ना बहुत बोर हो। इतनी रोमांटिक जगह और आप सैड हो। आपने ना मुझे बहुत चलाया और अब ना मैं थक चुका हूँ। मुझे भूख लग रही है। मुझे कुछ खाना है। आप तो मुझे कुछ नहीं खिलाओगे ना। चलो मैं ही खिलाता हूँ। चलो चलो। थैंक यू भैया। खाओ खाओ बहुत टेस्टी है। आपने ना आज तक नहीं खाया होगा ऐसा। वो खाते हो ना क्या होता है कॉन्टिनेंटल। हाँ उसको भी भूल जाओगे। बहुत टेस्टी है। क्या है? मिसल पाओ। खाए शुरू करें। हाँ वाह मजा आ गया। I'm having खाओ। ऐसे खाओगे? Very nice. ये wow spicy. Yes. And oily. Yeah very great way to get a heart attack. Very nice. बहुत अच्छा था। Nice. मेरे लिए। I'm okay. खाना। Thank you. So good. Oh very wow. मजा आ गया। ए अनिल सेब क्या रेट है? सेब तो 120 रुपए का है। वाह ये कौन है? रश्मि मैम है ना उनका बेटा है। आज ही सिंगापुर से आया। नमस्कार सर कैसे हैं आप? इंग्लिश में बात करो। हाय सर मायसेल्फ अनिल फ्रॉम बिहार। योर मॉम माय टीचर। वेरी नाइस। ले ये पैक। सॉरी सॉरी सॉरी। अरे मैं तो भूल गया। डोंट माइंड प्लीज। हाँ रुद्र हम शाम से पहले पहुंच जाएंगे। आई वांट टू रीच बिफोर द सनसेट। आपके लिए जगह इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? पिछले हफ्ते मुझे मेरी आंट का फोन आया था। मेरी मासी। आई जस्ट नीड टू बी देयर। What happened? Is there a problem? यार क्या हुआ? Why we stopped? पता नहीं शायद गाड़ी खराब हो गई। यार how am I gonna reach now? And dude why are you taking your camera everywhere? लो पकड़ो रख लो। Dude what the hell? तुमने आने से पहले गाड़ी नहीं चेक की थी? वो रुद्र किसकी गाड़ी है यार ये? मेरे दादाजी की। Fix it. अरे लग गई तुमको। अरे ये बहुत गर्म होता है। छोड़ो। तुम्हें दर्द हो रहा है ना? छोड़ो। डॉक्टर के चलो। छोड़ो रुद्र। Enough. नहीं जाना मेरे को डॉक्टर के पास। The only place I want to go to is this. Do you understand it? This is where I need to go. मैं ऑनेस्टली अब अकेला होता ना पहुंच गया होता तो मुझे साइट सीइंग क्यों करा रहे हो यार? यू नो व्हाट आई एम डन।
I'll find it on my own, man. Thanks. अरे अरे रुको तो. अरे कहाँ जा रहे हो आप? आपका एड्रेस बहुत दूर है. कहाँ ज... मुझे माफ करना, गलती हो गई मुझसे. मैं बहुत छोटा था. डैड हैड पास्ड अवे. इन फैक्ट आई डोंट इवन रिमेम्बर हिम. कुछ 10 साल पहले मम की चंडीगढ़ में जॉब लग गई एज अ फैकल्टी. हर साल शी वुड से टू मी, बेटा घर आ जाओ, घर आ जाओ. और मैं हर बार बोलता था, मम्मा नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम. पता नहीं कितनी होली, कितनी दिवाली, सारे फेस्टिवल्स निकल गए. बट आई नेवर वेंट. हर ओनली चाइल्ड एंड शी वाज नेवर विद हिम. और अब मैं यहाँ पर जब आया हूँ टू हर बर्थ प्लेस, व्हाट्स द पॉइंट? शी इज नॉट इवन हियर. Look, dude, I'm really sorry. गुस्सा तुम पर निकल गया. I should have never yelled at you. I'm really sorry. मैम कहती थी आर्यन यहाँ पे होता ना तो उसे ये बना कर खिलाती, उसे यहाँ लेकर जाती, उसे वहाँ घुमाती. मैम ना आपको बहुत मिस करती थी. I miss her too. But that's the thing. जब तो मुझे realize हुआ it's too late. Rudra, I know I sound like a broken record, but can you please take me to this address? अब वेट करो. But क्यों? गाड़ी गर्म पड़ी है. Crap. Rudra, are you sure this is the right place? आप चलो तो सही. आओ. ओके. वाओ, दिस प्लेस इज ब्यूटिफुल. इट्स गॉर्जियस. मतलब ये तो इस फोटो से भी ज्यादा खूबसूरत है. I can't believe this exists. ये जो पिक्चर क्लिक करी है ना, ये मैंने ही करी थी. Oh really? Dude. रुद्र, ये जगह कितनी खूबसूरत है ना. यस मैम, बहुत खूबसूरत है. तुम्हें क्या लगता है, आर्यन को पसंद आएगी? यस मैम, बहुत पसंद आएगी. मैम चलो मान लिया, अगर आर्यन यहाँ पर होते तो आप क्या कहते उनको? आर्यन, ये तुम्हारी मम्मी का बर्थ प्लेस है. यहाँ पर मैं बड़ी हुई हूँ, पढ़ाई भी मैंने यहीं पर की है और आजकल मैं यहीं पर पढ़ाती हूँ. लेकिन पता है मेरे स्टूडेंट्स हैं ना, बहुत नॉटी है, और खास करके ये रुद्र. लेकिन ये मेरा सबसे फेवरेट है. रुद्र क्या कर रहे हो, जल्दी चलो. देखो मैं तो फास्ट हो गई तुमसे भी. मैम मैं आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ. अच्छा आ जाओ, आ जाओ. रुद्र
यहाँ की हवा कितनी फ्रेश है ना, कितनी ठंडक है यहाँ। तुम्हें क्या लगता है, आर्यन को ये जगह पसंद आएगी? मैम ये जगह बहुत पसंद आएगी आर्यन जी को। रुद्र, जब भी मैं आर्यन से कहती हूँ ना यहाँ पर आ जा, थोड़ी देर मेरे साथ रह ले, तो वो कहता है कि अभी मैं बिजी हूँ, थोड़ा फ्री हो जाऊंगा तो आ जाऊंगा। पता नहीं कब तक इंतजार करना पड़ेगा। रुद्र, अगर अगर कल को मुझे कुछ हो जाता है तो ये इतनी खूबसूरत जगह उसे कौन दिखाएगा? मैम आप ऐसा मत बोलो, आपको तो 100 साल जीना है। अच्छा मैम, आप आर्यन जी को कुछ कहना चाहोगे? यस ऑफ कोर्स। आर्यन, आई एम मिसिंग यू, I'm missing you very much. आ जाइए यहाँ पर, थोड़े दिन मेरे साथ रह ले। मेरे पास कोई नहीं है, मैं बहुत अकेली हूँ। Please come to me. Please बेटा, come to me. Papa, I'm so sorry. Sorry. Thank you, Rudra. I've got to go now, though. But thanks. एक मिनट। क्या हुआ? Apple. मुझे पता है कि आपको apple पसंद है। ये apples कितने fresh लग रहे हैं ना? थोड़े ले लेती हूँ। आर्यन को apples बहुत पसंद है। पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि शायद वो मुझे आकर सरप्राइज दे दे। थैंक यू। एक मिनट। कैमरा क्यों दे रहे हो मुझे? कैमरा आपको क्यों दूंगा? मेमोरी कार्ड, ये आपकी अमानत है। इसमें आपके और मैम के वीडियोस है। मुझे अच्छा लगता अगर आप एक दो दिन और रुक जाते, आपको ना पूरी सिटी दिखाता। But you know, there's always a next time. It was good to see you. Thank you.
Take care, right? Bye. See you. मेरे स्टूडेंट्स हैं ना, बहुत नॉटी है, और खास करके ये रुद्र। आई एम मिसिंग यू। अभी मैं बिजी हूँ, थोड़ा फ्री। आर्यन बेटा, तुम जानते हो जब एक औरत माँ बनती है तब वो अपने बच्चे के साथ सिर्फ फिजिकली कनेक्ट नहीं होती है, लेकिन वो बच्चा उसके शरीर का एक अहम हिस्सा बन जाता है, उसे माँ होने का एहसास दिलाता है और उसके मातृत्व को पूरा करता है। जन्म देने वाली माँ बच्चे की पहली सांस से जानती है कि उसके बच्चे की जरूरत क्या है, लेकिन शायद बच्चे बड़े होने के बाद भूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनके पेरेंट्स ओल्ड फैशन है, कूल नहीं है, उनके मॉडर्न विचारों के साथ सहमत नहीं है। तुमने भी यही सोचा ना मेरे बारे में? आर्यन, तुम मेरे शरीर का अंश हो। तुम कैसे हो, क्या हो, तुम्हें क्या पसंद है, मैं सब जानती हूं। एक बार, सिर्फ एक बार मुझे बता दिया होता। अफसोस मुझे सिर्फ इस बात का है कि तुमने मुझे इस लायक नहीं समझा कि तुम अपनी बात शेयर कर सको। बेटा, तुम्हारे हर फैसले में मैं तुम्हारे साथ हूं। बस मैं इतना चाहती हूं तुम जहां रहो तरक्की करो, जिसके भी साथ रहो खुश रहो। मैंने तुम्हारे लिए किसी को ढूंढा है, लेकिन मैं उसके बारे में तुम्हें तब बताऊंगी जब तुम यहां मुझसे मिलने आओगे। वो तुमसे बहुत प्यार करेगा, तुम भी उसका ख्याल रखना, उसे खुश रखना। आई लव यू बेटा, आई लव यू वेरी मच। मैंने तुम्हारे लिए किसी को ढूंढा है। विजय, विजय, कोई स्ट्रेंजर थोड़ी हो, आपसे तो मेरी पुरानी जान पहचान है। वेट, व्हाट? फ्लाइंग हाई इन द साइलेंट स्काई, एवरी नाइट आई ड्रीम आई सी अ स्टार, फॉलिंग स्लोली इन द डार्क, शाइनिंग ब्राइट एंड ब्रिंगिंग मेलो। आपकी ये स्माइल ना सच में बहुत अच्छी लगती है। इतनी रोमांटिक जगह है और आप सैड हो। I will follow you to find a way। मुझे अच्छा लगता अगर आप एक दो दिन और रुक जाते। वो तुमसे बहुत प्यार करेगा। आर्यन जी, अरे मेरी बात तो सुनो। अरे यहाँ ही बिताते हैं ना सारा टाइम। आर्यन जी, आर्यन जी, आर्यन जी।
darkest times when there's no hope. Don't be afraid. Tum bhi uska khayal rakhna. You know, मम हमेशा कहती थी लव इज नॉट जस्ट अ फीलिंग इट्स अ लैंग्वेज. एक ऐसी भाषा है जिसमें लफ्जों की जरूरत नहीं पड़ती, जिसे समझना होता है खुद ही समझ आता. वो भी कहती थी प्यार हमेशा उससे करो जो तुम्हें तुमसे ज्यादा प्यार करे. I will follow you to find a way, no matter what the world will say in the darkest times when there. I think I found that one. Don't be afraid, you'll never be alone. I will follow. Darkest time.